सबसे बड़ी खबर, झारखंड में सत्ता पलट गई है। हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर उनके काबिज होने का रास्ता साफ हो गया है, मीडिया के सामने है। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए आज संकल्प लेने का दिन है और झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका मैं सम्मान करता हूं। जनादेश के लिए मतदाताओं का आभार, आज लोगों के लिए उत्साह का दिन है। हेमंत सोरेन ने यह बात कही है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो चुके हैं, तब डेढ़ साल उन्होंने सत्ता संभाली थी 2013-14 में। और अब जबकि महागठबंधन को बहुमत मिल चुका है और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हेमंत सोरेन, साथियों आज झारखंड प्रदेश का लगभग 40 दिन का चुनावी यात्रा का आज अंतिम दिन है। आज पूरे राज्य में मतगणना का कार्यक्रम चल रहा है। कई चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, कुछ चीजें अस्पष्ट होनी बाकी है। और जो अभी तक चुनाव मतगणना का रुझान आया है, उस रुझान के माध्यम से झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया है, जो इस राज्य को स्पष्ट जनादेश दिया है, इसके लिए मैं राज्य के मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। निश्चित रूप से आज का ये जीत कई मतदाता हमारे झारखंड के लोगों के लिए उत्साह का दिन तो है ही, लेकिन मेरे लिए आज का दिन एक संकल्प लेने का है। इस राज्य की जनता का, यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लेने का दिन है। और आज का ये जनादेश मुझे लगता है आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के परिश्रम और समर्पण का ये परिणाम है। जिस उद्देश्य के लिए ये राज लिया गया था, आज और समर्पण का ये परिणाम है। जिस उद्देश्य के लिए ये राज लिया गया था, आज उन उद्देश्यों को पूरा करने का वक्त आ गया है। निश्चित रूप से आज हम इस राज्य में महागठबंधन के तहत चुनाव लड़े, जिसमें हमारे साथ शामिल कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग और जेएमएम ने मिलकर लड़ा। मैं इसके लिए भी आदरणीय गुरुजी को, आदरणीय लालू जी को, आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय प्रियंका जी को, कांग्रेस के सभी जो राज्य पे नजर लगाए हुए थे, जो प्रभारी के रूप में थे, कार्यकर्ता के रूप में थे, सभी दलों के लोगों को भी मैं बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे ऊपर
अपना विश्वास जताया और आज राज्य की जनता ने इस राज्य को एक स्पष्ट बहुमत दिया है। साथियों, विगत लगभग 40 दिनों से आप सभी मीडिया तो हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर अब उनके दोबारा मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने का रास्ता साफ हो गया है और अपनी बातों में कहा उन्होंने कि झारखंड की जनता ने जो स्पष्ट जनादेश दिया इसके लिए मतदाताओं का आभार। आज संकल्प लेने का दिन है। आज का नतीजा गुरुजी यानी उनके पिता शिबू सोरेन के परिश्रम का परिणाम है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के नाम लेकर उन्होंने शुक्रिया जताया भरोसे के लिए कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार महागठबंधन में बनाया गया था, उनको आगे रखकर महागठबंधन ने चुनाव लड़ा और साथ ही ये संकल्प दोहराया हेमंत सोरेन ने कि इस राज्य के लिए एक नया अध्याय शुरू होगा और अब आने वाला वक्त राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जिस उम्मीद से लोगों ने वोट दिया है मैं भरोसा दिलाता हूं कि उनकी उम्मीदें टूटेंगी नहीं। और अब देखिए धीरे धीरे जो रुझान अब तक आ रहे थे वो अब धीरे धीरे फाइनल शक्ल ले रहे हैं नतीजों के रूप में, लेकिन लगातार जो बाजी है वो आगे पीछे थोड़ी सी जरूर हो रही है। फिलहाल की जो टैली है वो थोड़ी सी दिलचस्प है। बीजेपी 30 सीटों पर आगे है, कांग्रेस प्लस यानी जो महागठबंधन है वो 40, बहुमत से कम 804, जेवीएम 3 और अन्य के हिस्से 4 सीटें। झारखंड के रुझान और नतीजे बता रहे हैं कि एक और राज्य बीजेपी के हाथ से फिसल गया, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? झारखंड में बीजेपी की बड़ी हार की वजह क्या है? देखिए रघुवर दास की हार का विश्लेषण करने वाली ये रिपोर्ट। झारखंड में बीजेपी को क्यों लगा झटका? राहुल गांधी कांग्रेस मुक्त भारत वाले टारगेट में क्या है रोड़े? कैसे भगवा भारत के नक्शे से झारखंड भी गायब हो गया? बीजेपी ने रघुवर दास के काम के आधार पर वोट मांगे लेकिन झारखंड की जनता ने उस काम को खारिज कर दिया। लेकिन क्या यही वजह है जिसने झारखंड से बीजेपी की सत्ता उखाड़ दी? एक्सपर्ट्स की माने तो झारखंड में बीजेपी की हार के कई बड़े कारण हैं। विरोधियों का कहना है कि झारखंड में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, शिक्षा के हालात बदतर हैं, उद्योग लगे रहीं और नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। चुनावी कैंपेन में सबके लिए रघुवर दास ने चुनावी सभाओं में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया, जबकि हकीकत यह है कि झारखंड बनने के 19 साल में 16 साल बीजेपी किसी न किसी रूप में सरकार में शामिल रही। क्या देखिए, जो हमारा बीजेपी खिलाफ वोट रहा होगा, निर्विचित की बात करें तो जो कांग्रेस का वोट होगा या फिर एक जेवीएम का वोट हो सकता है कि एक जगह पोलराइज हुआ होगा। झारखंड के चुनावों में बीजेपी के नेताओं ने अपने घोषणा पत्र में शामिल तमाम मुद्दे उछाले लेकिन वो भी कारगर नहीं हो सके। झारखंड के चुनाव में राम मंदिर, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होना और एनआरसी कोई मुद्दा ही नहीं बन पाया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों में इन मुद्दों पर तालियां जरूर बजी लेकिन इन मुद्दों के आधार पर लोगों ने शायद वोट नहीं डाले। हम जीत भी रहे हैं, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, ये मैं आश्वस्त हूँ। इसके साथ ही घर का घमासान भी बीजेपी को महंगा पड़ गया। 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा जमशेदपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर खरसावां विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे। वो यहाँ से 4 बार विधायक चुने गए। खरसावां से इस बार अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा टिकट चाहती थी लेकिन बीजेपी में ही बार बार अर्जुन मुंडा और रघुवर दास के बीच मनमुटाव सामने आ रहा था। सरकारें हमने 19 साल के झारखंड में बहुतों देखी लेकिन रघुवर पता नहीं थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही अहंकारी और ये अपने आप को प्रधानमंत्री का कॉपीकैट करने के चक्कर में ज्यादा थे, उसी तरह बिहेव करना।
क्या गैर आदिवासी सीएम बनाने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा? 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में 28 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व थी और महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आदिवासी हेमंत सोरेन को ही बनाया था। दूसरी तरफ बीजेपी के रघुवर दास गैर आदिवासी हैं। काश्तकारी कानून के विवाद के बाद आदिवासियों के बीच रघुवर दास की छवि बहुत ठीक नहीं है। एक तो ये स्थानीय व्यक्ति नहीं थे, दूसरा अहंकारी जो मैं कह रहा हूँ, एक घटना नहीं 22 लोग भूख से मर गए, किसी सरकार के लिए बहुत अलार्मिंग था। 24 लोग लिंचिंग शब्द शुरू हुआ झारखंड से, किसान आत्महत्या किए, यहाँ पे महिलाओं पे इतने अत्याचार हुए, एक सिकन नहीं आया। ये सवाल भी उठ रहा है कि गठबंधन को लेकर क्या बीजेपी से बड़ी चूक हो गई? आजसू पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थी और उसने 8 में 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार आजसू ने 19 सीटों की मांग रख दी, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं हुई। ऐसे में आजसू का बीजेपी से गठबंधन टूट गया। बहरहाल मुद्दे कई हैं और नतीजों के बाद अब इन सब पर मंथन शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हेमंत सोरेन दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं। तस्वीरें साफ हैं उनके दोबारा मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने की। कैसा रहा है हेमंत सोरेन का सियासी सफर, उस पर भी एक नजर डालिए। चल जंगल और जमीन का नारा चल गया। झारखंड में बीजेपी के रघुवर दास अपने काम से लोगों का दिल जीतने में नाकाम रहे और झारखंड के गुरुजी यानी शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन के हिस्से एक और बड़ी जीत आ गई। शुरुआती दौर में ही ऐसे लग रहा है कि टक्कर है और कांग्रेस पार्टी की बढ़त है और सरकार बनाने के नजदीक। झारखंड में शुरुआती रुझान उसी तरह बदले जिस तरह झारखंड में सरकारें बदलती रही, लेकिन तस्वीर साफ होते होते झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में जश्न शुरू हो गया और हेमंत सोरेन को बधाइयां देने वालों का तांता भी लगा। इससे यही बताता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट वहां फेल हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट जो वायदे किए थे वो भी निभा नहीं सके। लोगों ने देखकर ये निर्णय लिया है, इसका स्वागत करते हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सोरेन 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री थे। उससे पहले वो अर्जुन मुंडा मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री थे। 24 जून 2009 से 4 जनवरी 2010 तक वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। आदिवासी अस्मिता की बुनियाद पर सियासत करने वाले शिबू सोरेन की विरासत हेमंत सोरेन ने बखूबी संभाल ली है। पिता शिबू सोरेन ने झारखंड की लंबी लड़ाई लड़ी और पहले मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड की कमान संभाली थी। चुनाव प्रचार में हेमंत सोरेन ने खुद को बीजेपी का इकलौता विकल्प बताकर प्रोजेक्ट किया था, इसीलिए इस बार भी हेमंत सोरेन 2 सीटों से चुनावी जंग में उतरे थे। हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट सीट से चुनाव लड़े। दुमका से बीजेपी विधायक लुईस फर्नांडी के हाथों उनकी हार हुई, लेकिन बरहेट से बीजेपी के सिमोन मालतो को उन्होंने हरा दिया। हेमंत सोरेन ने 2014 के विधानसभा चुनाव में भी 2 सीटों पर किस्मत आजमाई थी, तब भी उन्हें दुमका से हार लेकिन बरहेट से जीत मिली थी और सोरेन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए थे। अब झारखंड की जीत के बाद समर्थक तो यही नारा लगा रहे हैं कि हमारा नया सिकंदर सोरेन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हेमंत सोरेन के सियासी सफर पर आपने नजर डाली और अब से थोड़ी देर पहले आप उन्हें सुन भी रहे थे मीडिया के सामने जनता का आभार जताते हुए। उससे पहले अपने पिता शिबू सोरेन के घर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया था शिबू सोरेन का। फिलहाल 5 तस्वीरें, आज की बड़ी तस्वीरें, किस तरीके से जैसे रुझानों में महागठबंधन को बढ़त मिली, खुशी के लड्डू बटने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, आतिशबाजी होने लगी, दिवाली मनाई जाने लगी इस खुशी में कि जीत मिली है। दिल्ली से लेकर रांची तक कांग्रेस के दफ्तरों में जश्न का माहौल छा गया और ठीक बीचों बीच तस्वीर जो इस जीत के सबसे बड़े नायक है हेमंत सोरेन, आपसे थोड़ी देर पहले अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे थे और साइकिल चलाकर मिलने पहुंचे थे। इस जीत की खुशी का इजहार शिबू हेमंत सोरेन ने साइकिल चलाकर किया। अपने परिवार के लोगों के बीच बैठकर अपने पिता से उन्होंने आशीर्वाद लिया, ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें।
और इस बीच धीरे धीरे जो रुझान है वो नतीजों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। जो अभी की ताजा स्थिति है, बीजेपी 26 यानी पिछले चुनाव के मुकाबले उसे 11 सीटों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस प्लस यानी महागठबंधन 45 सीटों पर, इसके बाद 803, जेवीएम 3 और अन्य के हिस्से 4। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं दिल्ली के राजघाट से, जहां पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रियंका और राहुल गांधी इस धरना प्रदर्शन में मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हुए हैं इस धरना में। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद है, यानी अशोक गहलोत और कमलनाथ भी इस धरना प्रदर्शन में मौजूद है। इस धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं ने संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी है वहां से, मंच से। तो बड़ी तस्वीर दिल्ली के राजघाट से, जहां पर आज कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से ही तय था। इसमें राहुल गांधी पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे, सोनिया गांधी पहुंची, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे और सभी ने इस धरना प्रदर्शन के दौरान संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है। शांतिप्रिय ढंग से कांग्रेस के तमाम नेता, अगर हम बात करें हम सोनिया गांधी के साथ तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग बाहर भी हैं। हमारे साथ संजय कुमार के पुत्र हैं मौजूद, जग प्रवेश। आप जिस हिसाब से अगर बात करें हम, इस प्रोटेस्ट का मतलब क्या निकाला जाए? क्या शांतिप्रिय ढंग से कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है, या जिस हिसाब से मोदी कह रहे हैं कि हंगामे की भेंट चढ़ाती रही है कांग्रेस, मिलजुल कर तमाम जो हंगामे के लोग करते आए हैं उसमें साथ देती है, क्या ये सच्चाई है या सच्चाई ये है? सच्चाई देखिए, आज कितनी सद्भावना और एक भाईचारे के साथ इस सत्याग्रह के अंदर तमाम कांग्रेस परिवार यहाँ शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ बहुत सत्याग्रह चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है। और आज हम यहाँ से ये लेके जाएंगे प्रेरणा कि हम जब तक ये विरोधाभासी जो सीएए लगा है, इस कानून को, इस एक्ट को पूरी तरह से चेंज नहीं किया जाएगा, बदला नहीं जाएगा, हम इसी तरह से सत्याग्रह करेंगे और इसी तरह सद्भावना के साथ। ये कांग्रेस का कल्चर रहा है कि महात्मा गांधी के विचारों पर चलकर हम इस पर रहकर ये काम करेंगे और सत्याग्रह चलेगा और आखिरी सांस तक इसमें लड़ेंगे। इन सबके लिए हम तैयार हैं, इसके लिए तैयार हैं। आप भी तैयार हैं क्या? हम बिल्कुल तैयार हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा इस कार्य में लगेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन रहेंगे शांतिपूर्ण। ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर वॉलिनी मैक्स। नो टाइम है ठंड से, है जंग की तैयारी, तैयारी है ठंड से, है जंग की तैयारी। ये कैसी तैयारी? सर दर्द, जकड़न, सुस्ती बड़ी भारी, अपनाओ नया नवरत्न गरम आयुर्वेदिक तेल, जिसकी क्विक चम्पी आम तेल के मुकाबले दे गजब की गर्मी। इसमें है 9 आयुर्वेदिक तत्व जो सर दर्द, जकड़न, सुस्ती से बचाए। नया नवरत्न गरम आयुर्वेदिक तेल, सर का हीटर। मुफ्त बिजली पानी देने के बावजूद बढ़ रहा है दिल्ली सरकार का राजस्व। एक तरफ जहां देश की जीडीपी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की अपनी जीडीएसपी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जीडीएसपी में बनी इस निरंतरता का असर दिल्ली सरकार के बढ़ते राजस्व पर भी देखा जा सकता है। दिल्ली सरकार ने 2019-20 का बजट 60,000 करोड़ रुपए पेश किया, जो कि साल 2014-15 में 31,000 करोड़ था। दिल्ली सरकार की ये बढ़ती कमाई एक ईमानदार सरकार के कामों का ही नतीजा है। दिल्ली सरकार ने ऐसे बहुत से कदम उठाए हैं जिससे ये सुनिश्चित हुआ है कि सरकार घाटे में ना जा पाए। दिल्ली सरकार ने किया छापेमारी राजकांड। अक्सर व्यापारियों के मन में वैट विभाग की व्यवस्था के प्रति संदेह देखा जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस व्यवस्था को बदला। 2015 में जहां हर महीने करीब 150 छापेमारी होती थी, वहीं अब छापेमारी तभी होती है जब विभाग के पास ठोस सबूत होते हैं। इस बड़े बदलाव ने व्यापारियों के मन में व्यवस्था के प्रति सम्मान का भाव बनाया। बाजार को ध्यान में रखकर बनाई गई नीतियां। जब जीएसटी लागू होने वाला था, तब दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी प्रमुख बाजारों में स्थानीय व्यापारियों और बाजार संघों की भागीदारी के साथ जीएसटी बाजार समितियों का गठन किया। साथ ही दिल्ली सरकार ने 6 जीएसटी हेल्पिंग वैन चलाए। ये कदम व्यापारियों को जीएसटी को सरलता से समझाने में मददगार साबित हुए।
दिल्ली सरकार का बढ़ता राजस्व सुशासन का प्रतीक है। ये ऐसी बंद कैसे होगा? दादी, ये एसी नहीं गीजर है। Beautiful bathrooms deserve beautiful Jaguar water heaters. सुन, गीजर तो नहीं बंद हो जाएगा ना? Jaguar water heaters. पानी की नो एंट्री। ACC गोल्ड वाटर शील्ड के साथ करें कुछ कमाल। एसिडिटी में पुदीन हराफिज, जिसमें है पुदीना और नींबू की शक्ति, जो दे एसिडिटी से जल्द राहत। तो पुदीन हराफिज खोलो, एसिडिटी को बाय बोलो। आपकी टीवी के लिए मस्त जबरदस्त ऑफर है, सारे पॉपुलर चैनल्स, बेहतरीन क्वालिटी और वो भी सिर्फ 219 रुपए महीने में। भाई वाह, तो लगा दो। अरे लगा तो हुआ है, बस रिचार्ज कराने की देर है। डिश नहीं, डिश क्या? अपने डिश टीवी को एक्टिव रखें सिर्फ 219 रुपए के मंथली रिचार्ज में और देखें ढेर सारे पॉपुलर चैनल्स। डिश नहीं, डिश क्या है ये? ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी